Hello everyone, today we will be starting a beautiful chapter that is chapter number 6, triangles. तो triangles तो हम सबको पता है, उसके कोई introduction की जरूरत नहीं है, पर इधर जो बात हो रही है like similar triangles, तो उसके बारे में हम बात करेंगे पहले. तो इधर पे हम लोग को चेक करना है कि सेम ट्राइंगल्स है तो फिर सिमिलर ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट. तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उसका हम एंगल्स या साइड्स जो है SAS SSS से हम लोग चेक करते थे, राइट. पर इस बार क्या है, ये ट्राइंगल्स जो है वो सेम है कि नहीं. सेम का मतलब क्या देखते हैं, तो हम सेम कब है हम देखेंगे, राइट. तो टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स, इधर एक जनरल बात हो रही है कि वो सेम सिमिलर कब बोला जाएगा, राइट. द टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या फिर ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. मतलब अगर या तो फिर उसके सारे एंगल्स इक्वल हो करस्पॉन्डिंग, या तो फिर सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में हुए. सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू ट्राइंगल्स, राइट. इफ वी हैव टू ट्राइंगल्स, तो ये दोनों कब जो है सिमिलर रहेंगे, जब इनके सारे एंगल्स इक्वल हो, राइट. अगर इनके सारे एंगल्स इक्वल हो मींस इफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये तीनों इक्वल हो और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो, मींस ये इससे इक्वल होगा, ये इससे इक्वल होगा और ये इससे इक्वल होगा, राइट. तब जाके ये ट्राइंगल क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि दैट इज कॉन्ग्रुएंट या फिर इट इज सिमिलर. ओके, सो एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राइंगल ओवर हियर. वील टॉक अबाउट द अदर पॉलीगॉन्स, ये जनरल पॉलीगॉन की बात है, पर यहाँ पे हम सिर्फ ट्राइंगल्स की बात करेंगे, राइट. सो नाउ वंस वी नो दैट वॉट आर द सिमिलैरिटीज इन द ट्राइंगल्स, लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1. तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो ऑल सर्कल्स आर डैश, तो ऑल सर्कल्स वो क्या रहेंगे. अभी मैंने बोला कि देखो सिमिलर मतलब क्या, कि वो जो है वो सेम दिखते हैं, राइट. बट इट उसकी जो साइड्स की मेजर है वो सेम हो या ना हो, इट मे डिपेंड. ओके, तो यहाँ पे जो सर्कल्स है उसकी सारे सर्कल्स, कोई भी सर्कल्स मैं ड्रॉ करूँ, राइट, तो उनकी रेडियस जो है वो डिफरेंट हो सकती है. तो सारे सर्कल्स कैसे रहेंगे, सेम तो रहेंगे ही, बट कॉन्ग्रुएंट हमेशा हो ऐसे जरूरी नहीं. कॉन्ग्रुएंसी कब होगी, जब उनके रेडियस सेम होंगे, अंडरस्टूड. और स्क्वायर्स आर, तो स्क्वायर्स में भी ऐसी बात है, एंगल्स तो हमेशा सेम ही रहते हैं बट साइड्स मे बी सेम मे नॉट बी सेम. सो ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो वॉट सिमिलर. ऑल द डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमेशा कैसे ट्राइंगल सिमिलर ही होंगे. तो वी कैन से दैट ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वाई, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स है और तीनों एंगल्स जो है वो तो हमेशा सेम ही रहते हैं, तो एंगल्स आर ऑलवेज द सेम, राइट. सो वी कैन से दैट द साइड्स, मतलब उसके एंगल्स और उसकी साइड्स तो सेम रहेगी, तो वो उसकी साइड्स की लेंथ चाहे अलग अलग हो, ओके, बट द ट्राइंगल्स लुक सिमिलर, सो वी कैन से दैट ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, द फोर्थ वन इज टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन जिसके सेम नंबर ऑफ साइड्स है वो सिमिलर है कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, इक्वल और प्रोपोर्शनल. दो पॉलीगॉन सेम होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे और साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, राइट. सो वी कैन से दैट टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर व्हेन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द ब्लैंक्स. सेकेंड इज गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स, तो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स. तो पहले दो सिमिलर फिगर्स की बात हो रही है, तो दो सिमिलर फिगर्स हम कौन से लिख सकते हैं, कि जैसे देखो अगर हम दो सर्कल्स ले लें, राइट, इफ़ आई टेक वन सर्कल लाइक दिस एंड अदर सर्कल लाइक दिस, तो ये दोनों सिमिलर हुए ना. क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ के
एंगल्स अगर हम देखें तो एंगल्स तो हमको कोई देखने नहीं है बिकॉज इट हैज़ नो एंगल्स. और दूसरी थिंग जो थी उनका रेशियो, तो रेशियो मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमको सिर्फ इसका तो रेडियस ही है ना, राइट. तो उसका रेशियो तो सिमिलर होना, ऐसा कुछ मतलब रेशियो ऑफ द साइड्स, तो साइड्स तो है नहीं उसकी, तो इसमें तो सिर्फ आर ही है, तो इट लुक्स सिमिलर, राइट, बिकॉज उसका जो है शेप तो सिमिलर है, तो वी कैन से दैट दीज टू सर्कल्स आर सिमिलर. ओके, और दूसरा हमें सर्कल सिमिलर फिगर्स का ड्रॉ करना था, तो उसमें हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सपोज मैं ऐसे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कर रही हूँ, ठीक है, तो एंगल तीनों के क्या होंगे, हमेशा 60 डिग्री, तीनों के एंगल 60 डिग्री ही होंगे. तो ऑल द दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, ये तीनों एक दूसरे से इक्वल हुए और तीनों साइड्स भी इक्वल होगी, इसलिए इसका और इसका रेशियो जो होगा वही इसका और इस रेशियो होगा, वही इसका और इसका रेशियो होगा. तो वी कैन से दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, तो ये दोनों का तो हो गया कि ये तो इक्वल ही होंगे, मीन्स सिमिलर फिगर्स, राइट. सेम वे जो है हमको एग्जाम्पल ऐसे भी देने हैं ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स, तो वी कैन राइट डाउन ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स. हम यहाँ पे ऐसे ही नॉन सिमिलर फिगर्स लेंगे कि जिसके सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, राइट. जैसे कि अगर ट्राइंगल और स्क्वायर तो नॉन सिमिलर होगा, पर हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स, राइट. तो वो क्या होगा, तो पहले हम एक नॉन सिमिलर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे कि मैं एक स्क्वायर लूँ और एक रेक्टेंगल लूँ, राइट, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, तो वो ऑब्वियसली एक नॉन सिमिलर फिगर हुआ. क्योंकि देखिए स्क्वायर की और रेक्टेंगल की, चलो दोनों का जो है वो एंगल तो 90 डिग्री ही रहेगा. अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग मी, दैट दोनों का एंगल्स तो 90 डिग्री ही रहेगा, पर दूसरी कंडीशन जो है वो है कि रेशियो ऑफ द साइड्स, इसका और इसका लेंथ सेम हो, पर फिर इसका और इसका रेशियो है वो डिफरेंट हो जाएगा ना. तो दीज आर नॉन सिमिलर फिगर्स. वैसे इसका जो है सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड हम लोग लेंगे कुछ फिगर, जैसे कि ले लो एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम. ओके, एक रेक्टेंगल लिया और एक पैरेललोग्राम लिया, तो भी ऐसे ही होगा ना. इसमें क्या होगा, एंगल्स ही सेम नहीं है, साइड्स चाहे हम लेंगे कि सपोज इसकी और इसकी लेंथ सेम ले ली मैंने, इसकी और इसकी लेंथ सेम ले ली, पर उसके जो एंगल्स है वो सेम है ही नहीं, तो फिर वो नॉन सिमिलर फिगर होंगे ना. तो इसका मतलब इस जगह पे वो क्या हो गए, नॉन सिमिलर फिगर्स. आर यू गेटिंग मी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंगल्स भी सेम होने चाहिए करस्पॉन्डिंग, एंड द जो ये और ये, इसका मतलब रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड ऑल्सो बी इक्वल. क्वेश्चन नंबर 3 इज, सी स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट. तो दो कंडीशंस दैट द एंगल्स शुड बी सिमिलर, इज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि पहले ही हमको देख के पता चल गया कि इसमें से एंगल्स ही सेम नहीं है, तो एक कंडीशन ही अनसेटिस्फाई हो गई, तो मतलब आगे हमको डिससेटिस्फाई हो गई, तो आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे दैट वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग, सो वी कैन से दैट दे आर नॉट सिमिलर. ओके, हम ऐसे डायरेक्टली ही लिख सकते हैं, या तो फिर आप अगर आप चाहें तो दूसरा देखें, तो दूसरा 1.5 by 3 और 1.5 by 3, तो दूसरा कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि 1/2 उसका रेशियो आएगा, पर नहीं, एंगल्स वाला जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट इज वाई वी विल से दैट दैट डज नॉट सेटिस्फाई. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, सो कीप वॉचिंग इजी स्टडी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट.